आज हम स्टार्ट करेंगे 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए जैसे कि हम लोग ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा जाए तो उससे अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उससे निकलने वाली, उसको अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, अब अगर इस क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाए, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये पृष्ठ हमने रखा, ठीक है, तो इस पृष्ठ से क्रॉस करके कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसको क्रॉस करेंगी, इनकी संख्या की माप को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, अब अगर ये पृष्ठ है तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए ऐसी स्टेट, इस प्रश्न को जब हम क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो मैक्सिमम फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, जैसे जैसे इसको मैं इस तरह से घुमाते जाएंगे तो इससे निकलने वाली फ्लक्स लाइन क्या होंगी, कम होती जाएंगी, यानी कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई लूप है या पृष्ठ है, हमने इसको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में निकल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो देखिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसको क्रॉस कर रही हैं, देख लीजिए सभी लोग, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रही हैं। अब जैसे जैसे इसको हम घुमा रहे हैं, ये देखिए वैसे वैसे इसको क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई, और जब ये पृष्ठ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से जो जितनी निकलती हैं उसकी माप को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई पृष्ठ रखते हैं तो उससे अभिलंबवत जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वैद्युत फ्लक्स हम नापते थे कैसे, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि उसके अदिश गुणन के बराबर, तो इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कोई पृष्ठ रखा है उसका एरिया वेक्टर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन हो गई, इधर लिख लीजिए, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इस पृष्ठ से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स। लिख सकते हैं
इसका मान चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ या लूप जो भी हो, है ना, पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B और पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणन को हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं। मान लेते हैं B तीव्रता वाले क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, वेक्टर A है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाइव बराबर B डॉट A, जिसे हम लिख सकते हैं फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा, है ना। फाइबर और कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, अब थीटा अच्छे से समझिए, थीटा क्या है, देखिए थीटा जो एरिया वेक्टर है वो और जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है। ध्यान दीजिएगा, हम पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं ले रहे हैं, कोण लिया जा रहा है पृष्ठ पर अभिलंब, है ना। जो पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर होता है उसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में होती है। तो पृष्ठ का जो अभिलंब है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दोनों के बीच के कोण को हमने कितना लिया है, थीटा लिया है। तो लिख सकते हैं जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र B व क्षेत्रफल वेक्टर A, क्षेत्रफल वेक्टर का अर्थ है कि पृष्ठ का जो अभिलंब होगा वही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है, के बीच कोण है। यानी कि जब पृष्ठ क्या होगा, लंबवत होगा, जब पृष्ठ लंबवत होगा तो उसका अभिलंब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी कि थीटा कितना होगा, जीरो होगा। लिख सकते हैं यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखा है ठीक है, जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत इस तरीके से रखा होगा तो उसका अभिलंब कितना कोण बनाएगा, उसका अभिलंब कितना कोण बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से समांतर होगा, है ना। देख लीजिए, जैसे ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो दिख रही है सभी को, हमने पृष्ठ इस तरीके से रखा, अब पृष्ठ पर ये अभिलंब क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ही दिशा में है, है ना। तो थीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, फाइ इक्वल्स टू बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन बी ए, है ना। इस स्थिति में देखिए फ्लक्स सबसे ज्यादा किस सरफेस से क्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, अगर पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए, यानी कि पृष्ठ को इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए, तो जो इसका अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा, 90 कोण बनाएगा। तो इस स्थिति में थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो फाई कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, है ना। इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक चीज और समझ में आ गई सभी को कि जितना कोण पृष्ठ बनाता है ना, जैसे मान लेते हैं पृष्ठ क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बना रहा है, तो उसका एरिया वेक्टर जो है, उसका जो अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 माइनस अल्फा कोण बनाता है। इस चीज को लिख लीजिए,
न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। काफ़ी लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रश्न चुंबक के क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लोग थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं। जबकि समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और प्रश्न अगर चुंबक के क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब उसका एरिया वेक्टर कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे सभी लोग। यदि प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, यदि प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 𝛼 कोण पर रखा है, यदि प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 𝛼 कोण पर रखा है, तो प्रश्न के क्षेत्रफल वेक्टर या अभिलंब, है ना, क्षेत्रफल वेक्टर या प्रश्न का अभिलंब, है ना, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। समझ लेते हैं सभी लोग, देख लीजिए, जैसे ये प्रश्न रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस, भाई ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, ये प्रश्न 90 बना रहा है, ये प्रश्न 90 बना रहा है, और जिसमें प्रश्न कितना बना रहा है, अल्फा कोण, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। न्यूमेरिकल लगाते समय इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, और अगर प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बनाएगा तो उसका एरिया वेक्टर यानी कि अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 माइनस अल्फा कोण बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो थीटा रखेंगे वो प्रश्न और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं होता है, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है, प्रश्न के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी भौतिक राशि को पढ़ने पर हमें उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र निकालना होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक लिख सकते हैं, क्या होगा, फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, कितना आया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये किसका मात्रक आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आ गया। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, न्यूटन के लिए फोर्स यानी कि MLT-2, मीटर L, एम्पियर A, ठीक है, कितना हो जाएगा, MLT-2A-1, ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया, ये मात्रक कितना है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसे SI पद्धति में हम वेबर भी कहते हैं, कितना, नेक्स्ट, अब हम फाई के आधार पे यानी कि चुंबक के फ्लक्स के आधार पे बी यानी कि चुंबक के क्षेत्र को भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा से बी को हम लिख सकते हैं फाई अपॉन ए कॉस थीटा, है ना। अगर प्रश्न को चुंबक के क्षेत्र के से, है ना, इस तरीके से रखा जाए कि उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, यानी कि प्रश्न को अभिलंबवत रखा जाए, है ना, तो यदि थीटा क्या हो, 0 है, भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर हम कोई प्रश्न रखते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, फाई अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से अब हम B का मात्रक लिख सकते हैं, क्या होगा,
चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना आ गया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देना जाए तो लिख सकते हैं कि अगर ए बराबर एक मीटर स्क्वायर हो, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो जितना फ्लक्स निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो मेन हेडिंग हमारी वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जिसके बारे में ये चैप्टर हमें पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके साथ ही फैराडे व हेनरी के प्रयोग। ठीक है, फैराडे और हेनरी के प्रयोग जिसके आधार पर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्स्टेड का प्रयोग सभी ने पढ़ रखा है पहले से कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है ना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक चुंबक के क्षेत्र बनाता है। ठीक है ना, मूविंग चार्ज है ना, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, वो सीधा चालक हो, वृत्ताकार लूप हो, कुंडली हो, कुछ भी हो, अगर उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये ऑर्स्टेड का प्रयोग है और इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस घटना को हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसका एक्सपेरिमेंट था? ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो मूव यानी कि ये रिजल्ट निकल के आया, धारा प्रवाहित होने का मतलब चार्ज क्या है? गति की अवस्था में, चार्ज गति कर रहे हैं, यानी कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो फैराडे हेनरी ने इस अनुमान के आधार पर कुछ प्रयोग किए कि इसका व्युत्क्रम प्रोसेस भी पॉसिबल होना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं गतिमान चुंबकीय क्षेत्र क्या विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, ऑर्स्टेड का प्रयोग था कि जिस तरीके से मूविंग चार्ज यानी कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो क्या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र या एक तरीके से कह सकते हैं गतिमान चुंबक या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, है ना, गतिमान चुंबक या कह सकते हैं इसको परिवर्ती वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, है ना, कि जिस प्रकार से एक गतिमान आवेश यानी कि धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात उसके अंदर जब आवेश गति में होते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो क्या उसका उल्टा प्रोसेस पॉसिबल है? तो इस आधार पे क्या हुआ, फैराडे और हेनरी ने अनुमान लगाया और फिर कुछ प्रयोग किए जिसमें ये बताया कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। आप समझिए ऑर्स्टेड के प्रयोग का क्या है, व्युत्क्रम प्रोसेस है, यानी कि जो यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने पढ़ा कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो इसी तरीके से इसमें यह कल्पना की गई कि अगर किसी चालक के समीप में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होगी, इसी घटना को बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। ठीक है, तो इसका अध्ययन इस अनुमान के आधार पर इससे संबंधित प्रयोग हेनरी फैराडे ने कुछ प्रयोग किए। ठीक है, तो क्या प्रयोग किए उनको हम समझ लेते हैं। पहले एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लेते हैं एक कुंडली है, इससे एक अमीटर जोड़ दिया गया। ठीक है, सॉरी, अब इसके पास में एक मैग्नेट रखा गया है ना, देखा गया कि जब चुंबक स्थिर है ना, जब चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या है, स्थिर है, स्थिर है और
चुंबक गतिमान है, ठीक है, चुंबक विपरीत दिशा में गतिमान हो। तीन स्थितियों का अध्ययन करना है। क्या देखा गया यहां पे कि जब इस मैग्नेट को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ये एक लूप रखा है जिसमें अमीटर जुड़ा हुआ है, एक कुंडली है जिससे हमने अमीटर जोड़ दिया और उसके पास में एक मैग्नेट लाके हमने रख दिया, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन हमको नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं दिखता है, ठीक है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, ठीक है। क्या देखा गया यहाँ पे कि एक क्वाइल है जिसको अमीटर से जोड़ दिया गया, पास में रख दिया गया, एक चुंबक रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो हम क्या देखते हैं धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, ठीक है। फिर देखा गया कि जब इसको गति की अवस्था में लाया जाता है, यानी कि इसके पास से चुंबक को चलाया जाता है, इस चुंबक को इस तरीके से इसके पास लेकर आया जाता है, तो देखा गया धारा मापी में विक्षेप होता है। फिर देखा गया कि जब इसको वापस, जैसे पहले हम चुंबक को इस तरफ लेके आ रहे हैं, फिर चुंबक को इस तरफ लेके जा रहे हैं ना, यानी कि चुंबक को विपरीत दिशा में गतिमान किया जाए, पहले चुंबक को एक दिशा में लेके आए, फिर उसको वापस उसी पथ पे वापस लेके जाए, तो भी धारा मापी में विक्षेप होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में धारा मापी में विक्षेप, ठीक है। तो यहां पे तीन बहुत ही सिंपल प्रेक्षण यहां पे मिल रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि देखा गया कि इस लूप के पास जब चुंबक स्थिर अवस्था में था तो हम देखते थे इसमें कोई विक्षेप नहीं था, जब इस चुंबक को इसके पास में गति की अवस्था में लाया जाता है तो धारा मापी में विक्षेप होता है, और जब इसको विपरीत दिशा में गतिमान करते हैं तब भी विक्षेप होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा बदल जाती है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर इस चुंबक की गति के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा मापी में विक्षेप का अर्थ क्या है कि इसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब चुंबक स्थिर होता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब चुंबक को गतिमान करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, कैसे पता, क्योंकि उसमें क्या दिखता है, धारा मापी में विक्षेप दिखता है, जिसका अर्थ है कि इस परिपथ में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब होता क्या आखिर, जब चुंबक को इसके पास लाते हैं तो इसके पास का चुंबक के क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है, दूर ले जाने लगते हैं घटने लगता है, यानी कि इसके पास का चुंबक के क्षेत्र परिवर्तित होता है, उस टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, फिर चुंबक को चाहे कितना भी प्रबल चुंबक यहाँ पे लाके क्यों ना रख दिया जाए, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो चुंबक के क्षेत्र कैसा होता है, नियत होता है। यहाँ पे हमें विक्षेप केवल तभी मिलता है जब इसके पास के चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो लिख सकते हैं कि जब किसी लूप या कुंडली से संबद्ध चुंबक के क्षेत्र अर्थात संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, इस घटना को ही क्या नाम दिया गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, यानी कि जो हम पहले पढ़ के आए कि जैसे गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरीके से गतिमान आवेश अर्थात वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसी तरीके से मूविंग मैग्नेट यानी कि गतिमान चुंबक या कह सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड परिवर्ती चुंबक के क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं हेनरी व फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया कि
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब इससे संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित धारा प्राप्त होती है। इस घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं कि जब किसी लूप या परिपथ या कुंडली है ना, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा एक धारा प्रवाहित होती है ना। कैसे पता धारा प्रवाहित होती, क्योंकि अमीटर में हमें विक्षेप दिखाई पड़ता है। मतलब ये हुआ कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ये घटना ही क्या कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पर ठीक ऑर्स्टेड के प्रयोग का उल्टा है ये, कि ऑर्स्टेड के प्रयोग में क्या देखा गया कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से जब किसी चालक के समीप हम चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं या चुंबक को गतिमान अवस्था में लेके आते हैं तो क्या होता है, तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट अब देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने की विधियां। देखिए, सबसे पहला मान लेते हैं ये कोई चालक है। अब इसके पास में कोई गतिमान चुंबक लाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ के फ्लक्स में चेंज होगा और इसमें यहाँ पे वैद्युत प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं, मान लेते हैं एक चुंबक यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पास में यहाँ पे चुंबक गतिमान अवस्था में है और यहाँ पे चुंबक रेस्ट में है। इसके पास किसी चालक को गति की अवस्था में लाया जाए, है ना, ये क्या है, गतिमान है, तो भी यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। मतलब कुल मिलाकर हमें ये समझना है, किसी भी विधि द्वारा किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर होगा तो वहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। वो चुंबक को गतिमान करके लाया जा सकता है, ठीक है, या चालक को गतिमान करके। कुल मिलाकर चालक के समीप यानी कि चालक के संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, इसी तरीके से प्रबल चुंबक के क्षेत्र में कुंडली को घुमाकर लूप या कुंडली को घुमाकर ठीक, जैसे मान लेते हैं
इधर उत्तरी ध्रुव खंड रखा है, एक दक्षिणी ध्रुव खंड रखा है। इसमें किसी लूप को इस तरीके से हम तेजी से घुमाएंगे, तो लूप को घुमाने पर क्या होगा, जैसे ये लंबवत होगा जब लूप, तब मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस करेगा। जब ये घूमता जाएगा तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम होता जाएगा, और धीरे धीरे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे घूमने लगेगा, है ना, इस तरीके से, है ना। अभी फ्लक्स मैक्सिमम है, फिर फ्लक्स क्या होगा, कम होता जा रहा है, जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा। इस तरीके से जब इसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इसको घुमाएंगे, तो इससे निकलने वाले फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो सकती है, ठीक है, लूप या कुंडली को घुमाने पर। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई चालक तार है या कुंडली है, कुछ भी है, ठीक है। अगर इसमें बहने वाली धारा के मान को क्या किया जाए, धारा कैसी हो, परिवर्ती हो, धारा कैसी हो, परिवर्ती हो, है ना, परिवर्ती का मतलब वेरिएबल है। तो अगर इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा, तो इसके पास का चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, यानी कि यहाँ पे भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस कारण भी यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। और इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण, आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिनके आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट केवल ये है कि किसी भी विधि द्वारा अगर चालक के समीप के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। वो चुंबक को गतिमान अवस्था में लाकर किया जा सकता है, या चालक को गतिमान अवस्था में लाकर किया जा सकता है, या किसी भी चुंबक के क्षेत्र में अगर हम किसी कुंडली को घुमाते हैं तो भी उससे निकलने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या किसी चालक या कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो भी चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है।